नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां रक्षाबंधन पर रीवा में लूट की बड़ी घटना घटित हुई है, जहां बीजेपी नेता गौरव तिवारी के पिता के साथ लूट की घटना हुई है। दिन दिहाड़े ढेकहा के समीप यह लूट की घटना हुई है। आरोपियों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर लूट की है। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता गौरव तिवारी के पिता के साथ बड़ी लूट की घटना घटित हुई है। क्या घटना हुई आपके साथ अभी? हम पड़रा तरफ से आए, पीयर डिल्क में दूध लिए और जो टर्न होने का था उसके आगे है, उसके आगे गए, कनोडिया कॉम्प्लेक्स कहलाता है, साइड से वहीं पर हमारे बिल्कुल सटा करके दो लड़के मोटरसाइकिल से निकले, रोके, नमस्कार वगैरह किया और रोके। तो हम सोचे कि कोई एड्रेस पूछना होगा, हो गया एड्रेस और रोके, कहें कि वो मर्डर हो गया है कल, हम पुलिस के आदमी हैं, अब ये चैन वहीं पहने हो, उतार लो और डिक्की में रख लो। हो गया, हम भी उतार लिए, समझे नहीं पाए, ये सब दो तीन मिनट के अंदर हो गया और वो बदल करके लेके चले गए, हमारी डिक्की में डाल दिया। आपसे लिए थे उसको, कौन डिक्की में डाला? आपने डाला था कि वो डाले? वही डाले थे और उसके बाद आप चले गए। हाँ, आपने कब देखा कि आपका ये बदल दिया? हमको आगे चल के शक हुआ। हाँ। हम गाड़ी ऐसे पीछे देखे तो पता नहीं था, घर में जाके देखा तो उसमें चैन वो बदला हुआ था ना नकली सब। तो कागज में क्या रखे दिए थे आपको? चैन और अंगूठी, नकली नकली अंगूठी। आपके ये लड़के भी यहाँ पुलिस में है, ये भतीजा है? हाँ। भतीजे है ये। तो आपको मतलब ये डाउट कितने समय हो गया था कि वो आपको ठग के? वो जैसे ही भागे हमको डाउट हुआ। तो चैन अंगूठी दोनों चीज वो लेके चले गए? दोनों लेके चले गए। बता सकते हैं आप कैसी होगी? एक लंबा गोरा सा लड़का था, हेलमेट लगाए हुए था, उतारा है और लगाए हुए था, गोरा सा लड़का था, लंबा था, और एक उससे छोटा लड़का था सांबला सा। वो फुटेज में भी आए होंगे, अभी आप पहचान करने गए थे, क्या दिखे आपको? नहीं नहीं, हमको लगता है कि उस जगह का फुटेज है नहीं। क्या नाम लिखते सर आप? जयपाल सिंह तिवारी। कहाँ रहते हैं? पड़ारा। नहीं, कहाँ जा रहे थे आप? दूध लेने आए थे। दूध लेने आए थे, वापस जा रहे जी।